सब्सक्राइब कीजिए मैडर्स इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैड इंग्लिश के एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि ऑल आई कैन से इज दैट का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी यूज के बारे में और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि ऑल आई वॉन्ट दैट्स ऑल आई वॉन्ट इनका मतलब भी हिंदी में क्या होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्हीं तीन यूजर्स के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू वॉचिंग मैडर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है ऑल आई कैन से इज दैट का? व्हेन यू ट्राई टू टेल पीपल समथिंग दैट इज फॉर देयर गुड एंड दे डोंट लिसन टू यू, देन यू यूज ऑल आई कैन से इज दैट। मतलब जब भी आप किसी के भी सामने अपनी बात रखते हैं और आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, उस सेंस में हम यूज करते हैं ऑल आई कैन से इज दैट, और ये आपके होते हैं फाइनल वर्ड्स। इसके बाद अपनी बात को रोक देते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं। तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑल आई कैन से इज दैट का। एक कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा होता है जिसने अभी अभी कार चलाना सीखी है और अपने पापा से जाता है चाबी मांगने के लिए कि पापा मुझे चाबी दीजिए, मुझे मैकडोनल्ड्स जाना है। लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि आई डोंट वांट टू गिव कीज बिकॉज जस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। मतलब मैं आपको चाबी नहीं दे सकता बिकॉज आपने अभी अभी कार चलाना सीखी है। तो उसके पापा उसे मना कर देते हैं। अब वो कुछ तिकड़म लगाता है, अपने फ्रेंड के घर जाता है, उसे चाबी लेता है और मैकडोनल्ड्स पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि वो ट्रैफिक में अटक जाता है, स्टक इन अ ट्रैफिक। And he called to his father that I stuck in a traffic, कि वो ट्रैफिक में अटक चुका है। उसके पापा ने उसे इतना समझाया लेकिन वो नहीं माना। यहाँ पर हम यूज करने वाला है all I can say। मतलब अब उसके पापा उसे क्या कहेंगे इतना समझाने के बाद? अब वो angrily क्या कहेंगे? All I can say is that take a help from someone। मतलब आप किसी से help ले लीजिए, ये उसके पापा उसे कहेंगे। मतलब उसे इतना समझाया गया लेकिन उसने बात नहीं मानी। यही कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसीलिए मैंने आपको स्टोरी सुनाई ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर उसके पापा उसे एंग्रीली कहेंगे ऑल आई कैन से इज दैट टेक अ हेल्प फ्रॉम समवन। मतलब किसी से आप मदद ले लें। यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑल आई कैन से इज दैट का, ये फाइनल वर्ड्स है। यहाँ पर हम अपनी बात को खत्म कर देते हैं। अब आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से यूज करना है। अगला सेंटेंस है, मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तब इसका इंग्लिश बनेगा All I can say is that his intentions are not good। All I can say is that his intentions are not good। मैं बस इतना कह सकता हूं कि उसके इरादे ठीक नहीं है। इस तरह से आपको यूज करना है All I can say। अब देखते हैं All I need को किस तरह से यूज किया जाता है। आप हमेशा यह सेंटेंस बोलते होंगे, मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए। मुझे बस एक ग्लास पानी चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा All I need is a glass of water। All I need is a glass of water। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं All I need का। अगला सेंटेंस है, बड़ा ही मजेदार सेंटेंस। यहां पर हम All I want is that का यूज करेंगे। सेंटेंस है, मैं बस इतना चाहता हूं कि घर जाऊं, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलूं, थोड़ी टीवी देखूं और सो जाऊं। मैं बस इतना चाहता हूं कि घर जाऊं, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलूं, थोड़ी टीवी देखूं और सो जाऊं। ये सेंटेंस आप हमेशा कहते होंगे। तो इसका इंग्लिश बनेगा All I want is to go to home, play with my kids for some time, watch some TV and go to the bed। थोड़ा स्लो करते हैं। All I want is to go to home, play with my kids for some time, watch some TV and go to the bed। इस तरह से आप यूज करेंगे यहां पर All I want is that का। मतलब मैं बस इतना चाहता हूं कि All I want is that। आज का आखिरी सेंटेंस हम देखने वाले हैं जहां पर हम All you have to do का यूज करेंगे। All you have to do is to। तो यहां पर सेंटेंस है, तुम्हें बस इतना करना है कि उसे मेरे पास भेज दो। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे मेरे पास भेज दो। तब इसका इंग्लिश बनेगा All you have to do is send him to me। All you have to do is send him to me। मतलब उसे मेरे पास भेज दो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसे मेरे पास भेज दो। इस तरह से आपको बनाने हैं सेंटेंस All you need to do, All you have to do, All I want या फिर All I can say is that। तो आप इस तरह से यहां पर बना सकते हैं। यहां पर सारे कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट कर दीजिए सर। तो हम वोकैबुलरी सीरीज पर बात करने वाले हैं, जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए गुड बाय।